अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल कोई चांद रख की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। व्यूवर्स, जैसा कि आपने आज की एपिसोड में देखा कि ज़ैन और राबेल की मुलाकात हो जाती है। ज़ैन जिस बच्ची से प्यार करता है वो हकीकत में जानता नहीं होता कि वो उसकी अपनी ही बेटी है। जब वो राबेल को देखता है तो उस पर सारी हकीकत खुल जाती है। वो राबेल के पीछे भागता है और अपनी बेटी को देखने के लिए तरसता है, लेकिन राबेल उसकी बातों पर कान नहीं धरती। जबकि दूसरी तरफ निशाल है जो कि ज़ैन को तानेबाजियां करती रहती है और हर वक्त उससे लड़ाई और झगड़ा करती रहती है। ज़ैन आखिर निशाल से तंग आकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ की इयादत करता है और उससे अपने तमाम गुनाहों की और अपने तमाम जुर्म की सज़ा तलब करता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम राबेल से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लो। ज़ैन राबेल को लेकर अकेले बाहर जाता है और उससे अपने तमाम गुनाहों और गलतियों की माफ़ी और तलाफ़ी तलब करता है, लेकिन राबेल के दिल को पिघलाने में नाकाम हो जाता है। ज़ैन की कोई भी बात राबेल के दिल को मोम नहीं कर सकती और राबेल खामोशी से वापस लौट जाती है। व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निशाल ज़ैन से कहेगी कि तुम अपनी माँ का बहाना करते हुए राबेल से छुपकर मिलते हो, जिस पर ज़ैन कहेगा कि राबेल कानूनी तौर पर मेरी बीवी है और उससे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। व्यूवर्स, आपके ख्याल में क्या ज़ैन राबेल को मनाने में कामयाब हो जाएगा या फिर उसे हमेशा के लिए राबेल से जुदाई इख्तियार करनी होगी? अपनी राय का इजहार कमेंट के ज़रिए ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।